विराट कोहली और रोहित शर्मा जो T20 क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। नमस्कार। भारतीय कप्तान विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराकर तीनों मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत के विजेता हीरो कप्तान विराट कोहली थे, जिन्होंने 52 गेंदों पर नवाद 72 रन बनाए, जिसमे 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 72 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस मामले में उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के आंकड़े दिखाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों बल्लेबाज में कौन सबसे अच्छा है। विराट कोहली ने अपने T20 करियर की 71 मैचों की 66 पारियों में 50.19 की औसत से 2,448 रन बनाए हैं, जिसमें 42 अर्धशतक शामिल है। कोहली ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया। इस मैच में उन्होंने 55 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 90 रन बनाए। रोहित शर्मा भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान रोहित शर्मा ने अपने T20 करियर में कुल 97 मैच खेले हैं। उन्होंने 79 पारियों में 32.50 की औसत से 2,434 रन बनाए हैं, जिसमें 17 अर्धशतक और 4 शतक शामिल है। रोहित शर्मा का T20 करियर का सर्वोच्च स्कोर 118 रन है, जो उन्होंने 217 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। अगर हम दोनों आंकड़ों पर ध्यान दें तो विराट कोहली रोहित शर्मा से आगे निकल रहे हैं। इसके अलावा शतक के मामले में रोहित शर्मा कोहली से आगे है।